लेकर लड़ाई तक और लड़ाई से लेकर बॉयकॉट तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्ते आजकल बहुत नाजुक मोड़ से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विरोध की भाषा अगर गाली गलौच की भाषा में तब्दील हो जाए, जब देश की संसद में लोग अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करें, तो देश की जनता किससे पूछे कि हमने आपको इसलिए तो भेजा नहीं था वोट देकर, हमने सोचा था हमारे मुद्दे उठाएंगे, हमारे लिए आप काम करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सब अपने अपने दल अपने अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं और अपमानित भाषा में अपनी बहादुरी और अपने आप को हीरो बनते हुए देख रहे हैं। संसद में बजट पर लड़ाई, गाली तक आई। सियासत जोरदार, सदन में आर पार। क्या भाषा की मर्यादा का नहीं है कोई सम्मान? कब तक जुबानी जंग की भेंट चढ़ेगी संसद की कार्यवाही? संसद में विवाद विपक्ष के लिए जरूरी या मजबूरी? विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में, बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। कौन गाली दिया रे भैया, आप बताओ ना, आप तो पत्रकार हो, मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बन कर आ गए। भैंस मंगल सूत्र मुजरा कौन कर रहा था? राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी तो नहीं कर रहे थे, स्टालिन नहीं कर रहे थे। टोटिया तोड़ के ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कौन बोल रहा है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से ये स्वर्णिम शब्द आए, उनको प्रणाम। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। चरणजीत सिंह चन्नी ने वो सवाल उठाया खालिस्तानियों का, जिस खालिस्तानी ने इंदिरा गांधी की हत्या की, उस खालिस्तानी के समर्थन में चन्नी ने आज कांग्रेस का हाथ खालिस्तानी के साथ, वो खालिस्तानी के लिए उन्होंने सवाल उठाया। गठबंधन के हर साथी ने, विपक्ष के हर साथी ने एक सवाल पूछा, MSP का कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्योंकि ये सरकार बेईमान है, राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है, इसलिए किसान का MSP का कानून लाने से इनकार कर दिया और किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने से इनकार कर दिया। केवल कमेटी कमेटी खेल रहे हैं, MSP की जलेबियां बना रहे हैं, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब यह कहा गया कि लागत पर 50% लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, UPA की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर, यह कैबिनेट नोट है, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता।